गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज में वेरिएशंस की स्टडी कर रहे थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की साइज कैसी होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो साइज होती है वो एस ब्लॉक से तो स्मॉलर होगी और पी ब्लॉक से लार्ज होगी, और इनके बीच में जो इनकी खुद की सीरीज है, इनकी जो सीरीज है इनमें ये जो वेरिएशंस होगा ये सेम नहीं होगा, रेगुलर नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी जो ये सीरीज है इसमें लेफ्ट टू राइट ये जो सीरीज है ये है आपकी 3D सीरीज और ये है आपकी 4D सीरीज और ये है आपकी 5D सीरीज। ओके, ये सीरीज है तो इन सीरीज का लेफ्ट टू राइट स्टडी करेंगे एटॉमिक साइज का वेरिएशन, और फिर हम उसका अप टू डाउन वेरिएशन स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट 3D सीरीज। इससे पहले कल की क्लास में मैंने आपको एक जर्नल पीरियोडिक टेबल में जो शील्डिंग इफेक्ट है और जेड इफेक्टिव है वो समझाया था कि क्यों पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, साइज पूरा डिक्रीज होता है, यहां से पूरा साइज डिक्रीज होगा। इसका रीजन क्या बताया था कि जैसे जैसे साइज डिक्रीज होने का रीजन ये बताया था कि जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है उसके साथ साथ जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, बट जेड इफेक्ट का इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट पे, जिसके कारण से साइज डिक्रीज होती है। जब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो ये शेल्स हैं, सब शेल्स हैं, इनमें एंटर करने वाला इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इसको, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे। तो हमारे पास टू टाइप के इफेक्ट्स होते हैं इस इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री पे, एक तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं इस इलेक्ट्रॉन पर, इनर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रिपल्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। दोनों फोर्स का जो बैलेंस इफेक्ट होगा वो शो होगा, तो जेड इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पे इनके थ्रू अप्लाई किए गए स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। इसके अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं जेड इफेक्ट। इन इलेक्ट्रॉन्स ने इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से शील्ड करके रखा हुआ, एक तरह से एक मोटा दीवार बना रखी है, उस दीवार को बोलते हैं शील्ड करना। शील्ड करने का मतलब क्या हुआ, प्रोटेक्ट करना, कहने का मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स ने प्रोटॉन से इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रखा है, ढक रखा है। शील्ड क्या होती है, कवर होता है, कवर कर रखा है, इसीलिए हम इसके जो रिपल्शन इफेक्ट को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, और इसके इफेक्ट को जेड इफेक्ट बोलते हैं। जेड मतलब पूरा न्यूक्लियस को, जो हम एटॉमिक नंबर जो होता है, सपोज करो एटॉमिक नंबर 12 है, तो हम एटॉमिक नंबर को किससे शो करते हैं, जेड से, तो जेड का मतलब प्रोटॉन्स का जो इफेक्ट होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन्स का बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा इफेक्ट होगा, रिपल्शन इफेक्ट होगा। जेड इफेक्ट बोलते हैं प्रोटॉन्स के अट्रैक्शन इफेक्ट पे, इफेक्ट को, और इनर इलेक्ट्रॉन्स के बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल फोर्स डालने वाले इफेक्ट को बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि इसने इस अट्रैक्शन से इसको शील्ड किया है। आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, 12th क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ते समय आपने ये दोनों इफेक्ट्स अच्छे से पढ़े हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज की।
लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट हम एलिमेंट ले लेते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख चुके हैं, हमने अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना दिया। ये हम कर रहे हैं स्कैंडियम की बात, ठीक है, स्कैंडियम की बात कर रहे हैं। अब इस स्कैंडियम में देखिए, हमने यहाँ पे एक न्यूक्लियस बनाया, सबशेल बना दी। यहाँ मैं बना देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था स्कैंडियम का, 21 था इसका, 21 इसका एटमिक नंबर है। क्या हो जाएगा, पहले ये है हमारी 4s और ये है हमारी 3d, तो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या भरेगी, 4s2 फुल भर जाएगा, भर जाएगा फुल। अब यहाँ पे देखिए बात क्या आती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3d यानी इनर शेल में जा रहा है, यही है ना, 4s2 3d1। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा दिया था स्टूडेंट्स, वो आप देखिए। स्कैंडियम का 4s2 3d1 यही होगा। अब देखिए इफेक्ट यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन, इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पे लग रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन ने इन बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना है। सेम वही वाला चीज, इफेक्ट वही लगेगा, पॉजिटिव इनको, इसको रिपेल करेगा और इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स उसको शील्ड करेंगे। अब ये जो ये इफेक्ट जो कि पूरे पेरियोडिक टेबल में लग रहा है, ये पूरा का पूरा इफेक्ट ही हम इस डी ब्लॉक पे अप्लाई करेंगे। बट वेरिएशंस क्या आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये वेरिएशंस बता देती हूँ। देखिए 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते टाइम पहले तो साइज मैग्नीज तक डिक्रीज होती है। मैं यहाँ पे ऐसे शो कर देती हूँ, डिक्रीज होती है। स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज स्लाइटली डिक्रीज होती है, स्लाइटली मतलब बहुत कम गैप से। ऐसा नहीं है कि पहले 152 है और फिर उसके बाद में सीधा ही 122 हो गई और फिर सीधा 90 होगी, नो। स्लाइटली डिक्रीज का मतलब 154, फिर 152, फिर 149, इस टाइप से इसका डिक्रीजिंग होगा, ओके, स्लाइटली डिक्रीज होगी। Fe से निकल, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इन तीनों में साइज क्या रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी। ऑलमोस्ट सेम का मतलब यही हो गया कि पॉइंट्स में डिफरेंस होगा, ओके। नेक्स्ट लास्ट एट द एंड ऑफ द डी सीरीज, एट द एंड ऑफ द डी सीरीज यानी कॉपर और जिंक, यहां पे साइज क्या हो जाएगी, बिल्कुल सॉरी साइज क्या हो जाएगी, यहां पे इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखिए 3D सीरीज में साइज में क्या वेरिएशन आ रहा है। नॉर्मली पेरियोडिक टेबल में साइज कंटिन्यू डिक्रीज होती थी, बट यहाँ पे क्या वेरिएशन आ रहा है, स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। FeCO निकल, आयरन, कोबाल्ट और निकल में साइज सेम आ रही है, और कॉपर और जिंक में साइज इंक्रीज हो रही है, ओके, राइट स्टूडेंट। यही वेरिएशन 4D में देखने को मिलेगा। और यही वेरिएशन नेक्स्ट आगे की सीरीज में लेफ्ट टू राइट में देखने को मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स। ये था वेरिएशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, डिक्रीजिंग सेम इंक्रीजिंग वाला वेरिएशन लेफ्ट टू राइट सीरीज में, ओके। अब इस वेरिएशन का रीजन समझाते हैं स्टूडेंट्स। ये जो भी मैं आपको एक करवा रही हूँ, इनके नोट्स दे दूंगी, इनको लिखा हुआ PDF दे दूंगी, पहले आप इसको समझ लीजिए। अब इसका रीजन, हाँ जी देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, हमने स्कैंडियम में ही पहले ले लेते हैं। पॉजिटिव ने इसको क्या किया, यहाँ पे ये वाला जो इफेक्ट है इसको क्या बोलेंगे, जेड इफेक्ट, हाँ जी। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इनको क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है, यही चीज है, ये वाला जो चीज मैंने समझाया था, इनर इलेक्ट्रॉन्स बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को। रीजन क्या है, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो होगा जेड इफेक्ट से बहुत कम होगा। इसका रीजन देखिए, एक सेकेंड मैं पहले लिख दूं, यहाँ पे शील्ड इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट,
देखिए, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एंटर कर रहे थे तो इनर में प्रेजेंट जितने भी तीन चार इलेक्ट्रॉन्स थे वो उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल मार रहे थे, यानी स्क्रीन कर रहे थे, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट फिर भी ज़्यादा था। बट यहाँ का केस क्या है कि यहाँ 4s ऑर्बिटल तो पहले फिल हो रही है, दो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, लेकिन यहाँ डी ऑर्बिटल में, सॉरी डी सबशेल में, 3d सबशेल में ओनली वन इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन तो उतने ही बड़े, 21 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है और 21 प्रोटॉन है। देखिए यहाँ 21 प्रोटॉन है और यहाँ पे 4s में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ 3d में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप खुद ही बताइए कि क्या इस प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे मारने वाला रिपल्शन दोनों में से कौन ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, जेड का इफेक्ट ज्यादा होगा। इस इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग क्या होगा? पुअर होगा और इसका जेड इफेक्टिव डोमिनेंट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। राइट स्टूडेंट?